तो हेलो गाइस, आज हम इस बोतल के साथ करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट, बहुत ही खतरनाक वाला। और साथ ही हमारे पास एक बोतल और है, और वो है ये कांच की बोतल। इन दोनों को हम अनार के आगे लगाने वाले हैं, जिससे देखते हैं कि इसके अंदर से क्या वो आर पार आग हो पाती है या नहीं। अनार के चक्रे के बीच में डालने वाले हैं और फिर इसके अंदर आग लगाने वाले हैं, देखेंगे इस बोतल का क्या होता है। उसके बाद नंबर आएगा इस पानी से भरी हुई बोतल का कि दोनों में से कौन सी है। ये तैयार हो चुका है, अब हम इसमें आग लगाने वाले हैं। तो आग लगाते हैं, मानो A few moments later. गाइस, हमारी कांच की बोतल एकदम पूरी राख में मिल चुकी है, एकदम टूट चुकी है। कांच की बोतल एकदम बराबर हो चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब हमारी बारी है हमारी पानी की बोतल की। अब है हमारे पास पानी की बोतल। कांच की बोतल के तो एकदम टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन अब पानी की बोतल के साथ क्या होता है ये अब चेक करेंगे। गाइस, हमारी जो पानी की बोतल थी वो सिर्फ थोड़ी बहुत सिकुड़ी है, एक जगह से फूटी है, उसके अलावा इसका कुछ भी नहीं हुआ है। पानी ये देखो, आप देख रहे हो इसके अंदर से निकल रहा है, फूटी है वहाँ से। लेकिन कांच की बोतल तो पूरी टूट चुकी थी, इसमें थोड़ी टाइमिंग खराब थी, लेकिन काम हो गया। लेकिन बोतल नहीं फोड़ सका है, क्योंकि इसके अंदर पानी था, पानी सिर्फ गर्म ही होता है और ये बोतल को जलने नहीं देता है। वाह यार, मजा आ गया। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो।